बेटा आज क्या मामला हुआ कि आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आना पड़ा? मतलब मेरे फ्रेंड इन लोग शूट पे जाते थे, तो वहाँ पे इन लोग खापोली करके शूट पे गए, तो वहाँ पे एक लड़की मिली इन लोग को, पूजा नाम की। तो अभी मतलब हम लोग का वैकेशन चल रहा था, मतलब 2 महीने का ऐसा छुट्टी मिला क्लास के बीच में, तो वैकेशन ऐसा चल रहा था। तो वो बंदी ने ना एक आदमी का नंबर दिया और बोले कि है ना ये काम देगा अच्छा शूटिंग का, ये अच्छा काम देगा शूटिंग का, इस पे बात करो, ये नंबर पे बात करो। बंदी का नाम पूजा था। आपका कांटेक्ट था उससे? नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं था, मेरी फ्रेंड का था। तो मेरा फर्स्ट आप फर्स्ट टाइम अभी आए? मैं फर्स्ट टाइम इन लोग के साथ जा रही थी आज। तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था इसके बारे में? हाँ, मैंने बताया था, बट बताया था मैंने घर पे मना किया था, बट मैं बोली फ्रेंड लोग के साथ में करके। तो हम लोग ने इनसे कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने बोला कि है ना 6:30 या 7 बजे के आसपास कुर्ला स्टेशन पे मिलो हम लोग को। ये तो हम लोग को इधर पनवेल से पहले जाना था, क्या पनवेल से पहले जाना था, तो ये इधर कुर्ला स्टेशन पे मिलो। तो वो हम लोग को कॉल कर रहा था, हम लोग घर से कुछ 6:30 बजे निकले। वो बोला कि किधर हो, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। तो पहले हम लोग उसको ढूंढे बहुत, फिर वो हम लोग को मिला। फिर वो बोला कि बाहर एक आ रहा है कोई, तो ब्लैक शर्ट में वो अंकल बोले कि बाहर आ रहे। तो बाहर आए, तो जब उनसे मिले हम लोग, वो 4-व्हीलर पहले बोले कि है ना ट्रेन से जाएंगे, फिर बोले कि है ना 4-व्हीलर लेके आ रहे। तो हम लोग ने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो भी कुछ है ना मैं सब ऑन द स्पॉट बताता हूँ, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, काम काम होता है, गंदा हो चाहे कैसा भी हो। तो उन्होंने हम लोग को सारा लड़कियों का प्रोफाइल बताया, और वो हम लोग को क्या क्या कोई वेबसाइट थी उनकी क्या? नहीं नहीं, उन्होंने ना मतलब हम लोग वो जब आए ना ब्लैक शर्ट वाले 4-व्हीलर वाले, उन्होंने मेरे को बोला कि वो जो दूसरे अंकल है जो आपको कुर्ला में मिले, उन्होंने आपको क्लियरली बताया कि आपका काम क्या है। मैं बोली कि हाँ, उन्होंने से हम लोग ने बोला, उन लोगों ने क्या वो अंकल ने क्या बोला है कि जो कोई सिंगिंग करेगा या डांसिंग करेगा उसके मतलब साइड रोल में सिर्फ हम लोग को खड़े रहना है, 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पेमेंट रहेगा 10,000। बेटा आपको शक कैसा हुआ फिर? शक ऐसे हुआ कि उसके बोलने से, और है ना 10,000 कौन देगा इतने से। तो वो ऐसे हम लोग को मिले, फिर भी हम लोग ने और ज़्यादा इंक्वायरी करी, तो उनके फ़ोन में हम लोग को वो खुद आगे से हम लोग को है ना गंदे गंदे पिक्स दिखाए, लड़कियों के फुल विदाउट ड्रेस के पिक दिखाए उन लोग ने। और हम लोग को बोले कि है ना पहले मतलब कैसा बार रहता था, अभी वैसा बार बंद हो चुका है, गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, इसके लिए ना लाइव शो करते हम लोग, तो वहाँ पे आपको आना है और लोग आपके ऊपर बार बार से आएंगे और पैसे उड़ाएंगे, आपको वो एक वेटर को देना है और वो वेटर आपको एक चिट में लिख के देगा। जब वो चिट मेन मैनेजर के पास जाएगी वहाँ पे, वो 50% आपको देगा और खुद रखेगा, और आपका पेमेंट अलग से। ऐसा करके उसने खांडेश्वर आपके साथ कितने लोग थे? और हमारे साथ हम लोग 4 जन थे, मतलब मेरी एक फ्रेंड है पूजा नाम की, उसको हम लोग ने वाशी में रुका के रखा था। वो बोल रहा था कि है ना चलो चलो, हम लोग को लेट हो रहा था, हम लोग ने बोला हमारे साथ एक और लड़की आने वाली, एक बहाने से रुका के रखा था, तो हम लोग इसके बहाने से उसको रुका के रखे थे, और बोले कि उसके साथ और भी लड़की आ रही है। तो फिर डाउट आने पे आपने किसको इन्फॉर्म किया? डाउट आने पे मतलब हम लोग ने पहले उनको मना किया, और डाउट आने पे मेरी फ्रेंड ने डायरेक्ट उसके डैड को कॉल, नहीं आदेश को कॉल किया, आदेश जो इन लोग का कुछ है, इन लोग शूट पे जाते हैं, उसने बोला कि अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, तो इसने अपने डैड को इन्फॉर्म किया। बेटा इसमें एक महिला भी थी जिसमें आपका नंबर वहाँ से पास हुआ है, वो क्या कौन है वो महिला? नहीं, उनके बारे में मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं शूट पे जाती नहीं थी, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, मैं एक भी शूट पे नहीं गई हूँ, मेरा ये फर्स्ट शूट था, इन लोग के साथ जाने वाली थी, तो उसमें भी ये हो गया, तो अभी मैं इधर ही हूँ। पुलिस ने मामला दर्ज किया? हाँ।